अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुल गिरने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए डॉक्टर संजीव ने कहा कि पुल गिरने की जांच से प्रत्यय अमृत को दूर रखा जाए, क्योंकि वे ही समस्याओं की जड़ हैं। उन्हीं के देख रेख में पिछले 8 सालों से पुल बन रहा है, लेकिन अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ, लिहाजा हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए। सुनिए डॉक्टर संजीव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के बारे में क्या कुछ कहा और पुल गिरने के पीछे उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, हमारे विधानसभा अंतर्गत कल जो ये दुर्घटना घटी है वो हमारे विधानसभा के अंदर आता है। अगवानी सुल्तानगंज पुल का जो हमारे तरफ एरिया जो पार्ट था परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत, वो बुरी तरह ध्वस्त हो गया, आप कैसे गंगा में समा गया और 10 सेकंड होते होते लगभग 400 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पिलर्स टूट करके सब अंदर समा गया। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया, क्योंकि इतने जगह से मुझे फ़ोन आ रहा था, अलग अलग सब मिलने के लिए कह रहे थे मीडिया के, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बोला कि एक ही साथ सबसे बातचीत कर लें ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सबका मैं जवाब दे दूं, इसलिए ये मैं बोला कि आप घर पे ही आ जाएं। तो देखिए, ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घटना के तुरंत बाद वो उच्च स्तरीय जांच के लिए कहा है उन्होंने, और दोषियों पे कार्रवाई करने की बात कही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बात यहाँ ये है, ये जो घटना घटी इसका अंदेशा मुझे पहले से था। आज से जो बजट सेशन चल रहा था हमारा, तो मैं उस वक्त क्वेश्चन भी लाया, 13 मार्च को 15 को तो क्वेश्चन आ गया था हमारा पटल पे सौभाग्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था उस वक्त तक, तो उस पर भी मैं सवाल खड़ा किया कि ऐसा कौन सा जांच हो रहा है, ये तो सब्सटेंशियल जांच है, टेक्निकल इशू है। उसमें IIT का उन्होंने बताया कि IIT का टीम लगा है, रुड़की का है, NIT का है। फिर मैं प्रत्यय अमृत जी से बात किया पर्सनली जा करके, उनको फ़ोटो दिखाया, जो अभी पिलर क्रैक जो गिरा है उसी पिलर का 10-11 नंबर का मैं उनको फ़ोटो दिखाया था, देखिए इसमें क्रैक है। वहाँ के इंजीनियर्स जो हमारे नोन थे बताए कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इसके गिर फिर टूट जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं इसको डिसमेंटल करवा दूंगा, ये करवाऊंगा। लेकिन एज सच वो कुछ डिसमेंटल हुआ नहीं, वो वाला पार्ट कुछ दूसरा डिसमेंटल का उन्होंने वीडियो भी मुझे दिखाया। लेकिन ये जो है प्रधान सचिव जी का इनइफेक्टिवनेस दर्शाता है ये घटना। अगर मैं नहीं बोला रहता, मेरी जवाबदेही थी, मैंने अपना फ़र्ज निभाया, आप सीरियसली उसको नहीं लिए, सिर्फ मीठा बात करने से सिस्टम नहीं चलता है और सिर्फ गप मारने से सिस्टम नहीं चलता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाया, मैं टाइम लूँगा, उनसे मैं मिलूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने तो बोला ही है उच्च स्तरीय जांच करने के लिए, तो जो इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके अलावा किसी से और से जाँच करवाइए, कोई टेक्निकल टीम इसकी जांच करे, उसके अलावा कुछ जो जजेज हैं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेज हों, उस जुडिशियल जांच हो ताकि पारदर्शिता पता चले। इसका तो यही मतलब हो जाएगा, जैसे अनाउंस हो गया कि नया पुल बनेगा वहाँ पे, ठीक है नया पुल बनेगा, इसका मतलब हो गया कि आप किसी को गोली मारे, 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ, वो आदमी स्वस्थ हो गया फिर से,
तो जो स्वस्थ हो गया तो भाई वो अब केस थोड़ी हट जाता है, कार्रवाई भी तो होनी चाहिए इस पर। अब एक साल में जब नहीं हुआ, अभी अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिप्टी सीएम साहब से कि मैं कल मैं इन्फॉर्मेशन भी दिलवाया कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसा लोगों की आकांक्षाओं की हत्या हुई है इस पुल के गिरने से। हमारे यहाँ इस पुल का टाइम दिया गया था 5 साल बनने का, और एसपी सिंगला आज 8 साल हो गया उसका निर्माणाधीन है पुल, और घटनाएं पे घटना हो रही है। 24 लोगों की वहाँ मौतें हो चुकी है, हत्या कह सकते हैं आप, पुल में गिरने से, एक्सीडेंट से, और गरीब लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है, और वो मैनेज कर लेते हैं पुलिस को भी वहाँ लोकल लेवल पे। घटना घटी उसमें तो जिम्मेदार, मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको जानकारी थी इसकी। मैं खुद बोला था उनको, मैं प्रधान सचिव को बोला था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये, आप देखिए इसको। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पुल बन रहा है और वही जांच करेंगे तो क्या जांच का रिपोर्ट आएगा? जांच से उनको अलग रखा जाए, और नए आईएएस की कमी नहीं है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, इसे सीनियर आईएएस को जोड़ा जाए, प्लस जजेस को लेकर के जांच किया जाए। इसके बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और इस घटना से हमारे सरकार पे एकदम गलत तरीके से विपक्ष अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जो हमारे लिए दुखद बात है। ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री भारतवर्ष में कोई नहीं है, तो उन वो भी इस पे हैं कि गंभीर हैं और इस पे वो कार्रवाई जरूर करेंगे उनसे।